माई चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अच्छे रहें। और गाइस, आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ न्यू फैंसी लेटेस्ट और हैवी स्टाइलिश ड्रेस डिजाइंस। तो गाइस बने रहें वीडियो में। वीडियो डिजाइंस अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, आज के कलेक्शन में मैंने पूरा ही हैवी एंड मिक्स कलर में शेयर किया है। तो गाइस बने रहें वीडियो में, और वीडियो डिजाइंस अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, हमारी वीडियो अपलोडिंग का टाइमिंग है 4:00 आफ्टरनून, चार बजे दोपहर के बाद। तो गाइस हमारे टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने कहा है कि आपके वीडियो कब आते हैं, कौन से टाइमिंग पर, हमें पता नहीं है। तो गाइस देखिए, टाइमिंग को नोट कर लीजिए, हमारा फिक्स टाइमिंग है, हम कभी भी पब्लिक नहीं करते हैं, हमारा 4:00 का फिक्स है डे में। तो आप टाइमिंग भी नोट कर लीजिए। और जो न्यू फ्रेंड्स हमें ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया कीजिए गाइस। कई सारे फ्रेंड्स ये भी बोलते हैं कि आपका वीडियो कितने टाइम पर आता है, कौन सा टाइमिंग है, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो देखिए गाइस, आप नोटिफिकेशन को इनेबल करेंगे, जैसे कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तब आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिला करेगी। तो आप प्लीज़ न्यू फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाया करेगी। डोंट वरी, इंशाल्लाह मिल जाया करेगी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद 3 नोटिफिकेशन आती है, जिसमें फर्स्ट में आप इसको इनेबल कर लीजिए, फर्स्ट ऑल नोटिफिकेशन पर, जिससे आपको इजीली मिल जाया करेगी नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो की। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी, डोंट वरी। और बने रहे वीडियो में। आई होप कि आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने सभी ड्रेसेस को काफ़ी डिफरेंट लुक में किया है शेयर, जैसे कि काफ़ी हैवी लुक में भी है और थोड़ा सा प्लेन में भी रहेंगे और कुछ एम्ब्रॉयडरी नेटेड में रहेंगे। तो गाइस बने रहे वीडियो में, और अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी पार्टीज़ के लिए मैंने सभी शेयर किए हैं, जो कि अभी फंक्शंस वगैरह चलते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सभी ड्रेसेस को शेयर किया है, जिसमें अभी मैंने एक सिंगल कलर नहीं दिया है, जिसमें मैंने सभी मिक्स कलर भी दे दिए हैं। तो गाइस बने रहें वीडियो में। हाँ, जैसे कि ये देखिए पिंक कलर है, और ये पिंक डार्क पिंक है। तो गाइस काफ़ी हद तक पिंक कलर को भी बहुत पसंद किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने पिंक कलर शेयर किया है, जो हैवी में है। और ये लाइट कलर ब्लू में है, तो देखिए इसको भी काफ़ी हद तक पसंद किया जाता है, ये कलर्स काफ़ी अच्छे लेटेस्ट में ज़्यादातर इंग्लिश कलर में माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने शेयर किया है, जिसकी पार्टीज़ वगैरह में पहन सकते हैं। और जो लास्ट में चला गया है वो भी कलर बहुत अच्छा है, और ये क्रीम कलर में, जो मतलब क्रीम भी नहीं है, थोड़ा सा डार्क में है। तो गाइस इस टाइप के ड्रेसेस को ज़्यादा पसंद किया जाता है आजकल, क्योंकि आजकल चटक धटक बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन चटक में भी पसंद करते हैं तो काफ़ी डार्क में जो पसंद करते हैं, तो कलर से एकदम में थोड़े से हटके और काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं, तो उसको पसंद करते हैं। और मोस्टली लाइट कलर को ही ज़्यादा पसंद किया जाता है इस टाइम पर। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सभी ड्रेसेस को शेयर किया है, लेकिन कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स, कुछ व्यूअर्स रहते हैं, जो कुछ लोग रहते हैं पीपल्स, जो कि क्या है कि डार्क कलर को बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि मुझे भी 2-3-4 कलर हैं जो डार्क कलर में बहुत पसंद हैं, जैसे कि ब्लैक कलर है और रेड कलर है और ब्लू कलर होता है और ग्रीन, ग्रीन में जो काई कलर होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे ही 2-4 कलर हैं, तो ऐसे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये लाइट कलर में है, तो लाइट कलर में भी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम तो लाइट कलर ही पसंद किया जा रहा है इस टाइम पर। और ये लेवेंडर कलर में है, तो ये लेवेंडर कलर भी बहुत पसंद करते हैं। और लेकिन ये कलर के ऊपर डिपेंड होता है, कि जैसे कि
किसी किसी का फेयर कलर होता है तो उस पर ज़्यादा थोड़ा बोलते हैं अच्छा लगता है, थोड़ा सा मीडियम कलर पे उतना नहीं अच्छा लगता। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि किसी का कलर मीडियम है डार्क है तो वो कपड़े ही नहीं पहन सकता है। ये सब बेकार की बातें रहती हैं लोगों की। कपड़े जो भी अच्छे लगें वो आप पहना कीजिए गाइस, जिसका जो भी कलर है अल्लाह ताला के दिया हुआ है, उसमें क्या बुराई है, चाहे वो कुछ भी हो। और तो कभी भी कुछ भी पसंद आता है कपड़ा तो लेना चाहिए। ये सब कलर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हमारा कलर डार्क है तो हम पहन नहीं सकते हैं, ऐसा क्यों है ना। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है वो हमेशा खूबसूरत होती है, जो उसको रिजेक्ट करते हैं वही गुनहगार होते हैं। और उसके लिए तो कुरान में भी फरमा दिया है कि जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को रिजेक्ट करता है, नेमतों को तो और नापसंद करता है, तो अल्लाह ताला उसके उस इंसान के सारे अमल अमलों को गारत कर देते हैं। मतलब जो उसके कर्तव्य लिखे होते हैं, करता है इंसान अच्छे बुरे, तो उसके जो अच्छे काम होते हैं सबको वो गारत बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनकी पसंद उनकी चीज़ को इंसान ने नापसंद करने की हिम्मत की। तो कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो बेहतर है, और जिसमें अगर एक कमी रखी है तो उसमें एक ऐसी खूबी रखी है जिसमें इंसान सर उठा के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो देखिए कभी किसी को कम ना समझें और ना ही कभी किसी को नीचा समझें, क्योंकि जो तकलीफ़ है ज़्यादा देते हैं ना वो तो गुनाहगार होते हैं, लेकिन जो तकलीफ़ सहते हैं वो सबसे ज़्यादा नेक और कहते हैं कि अल्लाह के करीब होते हैं, वो बहुत सवाब के हकदार होते हैं। तो ये मत सोचें कि हमने उसको नीचा गिराया, बुरा बोल दिया है तो वो बहुत हर्ट हो गया है, वो कमज़ोर हो गया है। ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कमज़ोर नहीं है, वो अल्लाह की राह में बहुत अच्छा हो गया है और वो बहुत स्ट्रांग हो गया है और बहुत हकदार बन गया है सवाब का, नेकी का। तो देखिए आप सोच समझ के बोला कीजिए, कभी भी किसी को भी बोल देते कुछ भी उसका कलर ऐसा है वैसा है तो इसलिए ये जो कामयाबी होती है कलर से थोड़ी ना इंसान को मिलती है, ये तो इंसान की तकदीर से मिलती है, मेहनत से भी नहीं मिलती है। कहते हैं कि मेहनत से कामयाबी मिलती है, तो देखिए मेहनत करना तो एक ज़रिया बनाया है अल्लाह ताला ने, लेकिन जो माल दौलत इंसान की जो नसीब में जो कामयाबी होती है वो तकदीर का खेल है। जो अगर तकदीर में होगा वही तुम्हें मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो देखिए लोग ताना मारते हैं कि अभी फलाना बंदा इतना पढ़ा होता, मेरे बाप ने इतना पढ़ाया होता तो मैं यहाँ होता वहाँ होता, तो ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं नहीं होता। अगर तुम्हारे बाप ने नहीं भी पढ़ाया होता और पढ़ाया होता तब भी तुम यहीं होते जहाँ तुम्हारी तकदीर में लिखा है। तो जब कभी कोई नेमत छिन जाती है इंसान से तो मायूस होते हैं। देखिए वो आजमाइश भी हो सकती है, लेकिन जो छीनते हैं वो गुनाहगार होते हैं, ठीक है, क्योंकि तकदीर में तो जो है वो तो उसे वापस मिल ही जाएगा, अल्लाह ताला उसकी आजमाइशों के बाद उसे वापस कर देंगे। तो लेकिन जिसने उसको टॉर्चर दिया है परेशानी हालत में, मुसीबत की हालत में, आजमाइशों में, तकलीफ़ों में, जिस इंसान ने उस इंसान को टॉर्चर दिया है वो अपना हिसाब करने की कहते सोचे कि वो उसे कैसे हिसाब वो देगा। तो देखिए जो तकदीर में है वो इंसान को वही मिलता है। अगर किसी की तकदीर में काला रंग है, गोरा रंग है, मीडियम है, तो ये अल्लाह की आजमाइश होती है, कोई रंग बुरा नहीं होता है। अगर सफ़ेद रंग इतना अच्छा होता तो कफन सफ़ेद क्यों होता, और काला रंग बुरा होता तो काबा का गिलाफ काला क्यों होता। तो आप देखिए अगर बुरा होता काला रंग तो काबा का गिलाफ काला है, और सफ़ेद रंग इतना अच्छा होता तो कफन क्यों बनाया गया उसे मुर्दे के ऊपर डालने के लिए, मैयत के ऊपर। तो ये सोच लो कि किसी को भी अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं, हमेशा सबको अच्छा कहो। जब अल्लाह ने जो चीज़ को बना दिया है वो हमेशा बेहतर है, ठीक है। सिर्फ अमल अमलों से उस इंसान को टोक सकते हो, रोक सकते हो अगर कोई गलत कर रहा है तो। तो देखिए जो तकदीर में है वो तो उसे मिलेगा, चाहे तुम कितना भी टॉर्चर कर लो, चाहे कितना भटक लो, भाग लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो इंसान की तकदीर में है वो उसे मिलता है। तो मेहनत करो, मेहनत के लिए मैं नहीं कहूँगी कि मेहनत नहीं करो, क्योंकि क्या पता तकदीर में मेहनत से ही लिखा हो मिलना। तो मेहनत बराबर करते रहो, ठीक है, और दुआएं करते रहो, लेकिन अगर उससे नहीं मिले तो समझो तकदीर में नहीं है, और अगर उससे मिले तो समझो कि हमारी मेहनत से तकदीर में लिखा है। अब मैं बराबर मेहनत करती हूँ लेकिन मेरे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं तो क्या है, मेरी तकदीर में नहीं है अभी। और जब लिखा अल्लाह ताला चाहेंगे तो एक झटके में सब कुछ देंगे, क्योंकि
मेहनत का फल हमेशा ही कहते देर में मिलता है पर अच्छा होता है, तो कभी भी मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो जायज, इंशाल्लाह फल ज़रूर मिलता है। और तकदीर में अगर तकलीफ़ उठाने के बाद में तुम्हें मिलना लिखा है तो ज़रूर मिलेगा। तो देखिए ताना कसी मत किया करें कलर को लेकर के, जिसको जो मन हो वो गैस पहना कीजिए, आपको चाहे कोई भी कलर हो, जिसका भी जो कलर हो, जो जो भी पसंद आता है उसमें ज़रूर पहने। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि ऐसा सोचें आप कलर मीडियम है, डार्क है, फेयर है तो वैसे कपड़े लेना, ये नहीं सोचा। जो आपको अच्छा लगे वो आप पहना कीजिए। अल्लाह ताला के सभी कलर्स अच्छे होते हैं और जो रिजेक्ट करते हैं वो गुनाहगार होते हैं। तो अपने अपने अमालों पर ध्यान दीजिए, दूसरों को हर्ट करना, दूसरों को नीचा गिराने से पहले आप ये सोचिए कि जब दूसरों के साथ आप बुरा करते हैं तो आप रब की नज़र में कितने नीचे गिरते हैं। तो बस अगर अल्लाह से खौफ है, जिसको रब से खौफ है, वो ऐसे घटिया कामों से दूर रहें, बुरी सोच से दूर रहें और किसी को नीचा गिराने से दूर रहें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे नेक और राह पे चलने की और बुरे अमालों से बचने की। तो देखिए गाइस हमारी तरफ से तो खुली छुट्टी है, आपको जो पसंद आए वो लीजिए और मैं वैसे ही शेयर भी करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।